सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम डाइजेशन सिस्टम के अंदर बात करेंगे स्टमक की। अब जो स्टमक को हम पेट भी बोलते हैं, जठर भी बोलते हैं, उदर भी बोलते हैं। हम आम भाषा में कहते हैं ना कि खाना कहाँ गया, हमारे पेट में गया। तो पेट का मतलब स्टमक है, इसको उदर भी बोलते हैं। जठर भी और पेट भी और स्टमक भी। और जब खाना यहाँ पर आया हमारे स्टमक के अंदर, यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हमारा खाना पड़ा रहता है, डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता। तभी हम कहते हैं ना कि हमारा खाली पेट होता है कम से कम 2.5-3 घंटे के बाद। तभी हम कहते हैं कि रात को 2 घंटे तक हमें सोना नहीं चाहिए, खाना खाने के 2 घंटे बाद तक नहीं सोना चाहिए। तभी हम कहते हैं कि जब भी हम एक्यूप्रेशर करना है, करवाना है आपने, तो कम से कम 2 घंटे खाना खाने के बाद हमें आना चाहिए, 2-2.5 घंटे के बाद। तो 1 से लेकर 1.5 घंटे तक जो खाना है हमारे स्टमक के अंदर पड़ा रहता है, तब हमारे जो स्टमक के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, उनको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि, वो ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि भाई यहाँ खाना पड़ा हुआ है। तो वो ब्रेन उनको सिग्नल देता है, जठर ग्रंथियों को, कि भाई खाना पड़ा है, अब इसको तुम जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो जूस बनाते हैं, जब जूस बनाओ उसको कहते हैं जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। तो जूस बनना शुरू होता है हमारे स्टमक के अंदर। हमारे स्टमक के 3 पार्ट होते हैं मेन, जो हमारा फूड पाइप के साथ जुड़ता है ऊपर वाला, उसको कहते हैं कार्डिया। जो बीच का हिस्सा है उसको कहते हैं पंडस। और जो सबसे नीचे का हिस्सा है जिसको साथ हमारी छोटी आंत जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं पाइलोसिक। जो आपको मैंने फोटोग्राफ भेजी है उसके अंदर सब कुछ है। अब ये जो हमारे जो अंदर जठर ग्रंथियां हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं स्टमक के अंदर, और ये जो जूस को बनाएंगे उसके अंदर क्या क्या होता है, जूस के अंदर जो रस बनाएंगी उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है पानी, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तीसरा होता है एंजाइम। 3 आइटम होती हैं उसके अंदर जो वो जूस बनता है, पानी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम। जो HCl है इसको हम तेजाब भी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड मतलब तेजाब होता है। इसका जो pH लेवल है बहुत कम होता है, 1.5 से लेकर 2.5 होता है, 1.5 से लेकर 2.5 तक होता केवल। हमने देखा था हमारा जो सलाइवा का pH लेवल था उसका कितना था, 6.8। अगर हम इस एसिड को अपनी स्किन पे डालेंगे तो स्किन को भी जला देगा हमारी को, कितना तेज होता है ये एसिड। अब इसमें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी शादी में गया,
ये एग्जांपल है कि एसिडिटी ज़्यादा क्यों हो जाती है। अब शादी में जब भी हम जाते हैं वहाँ पे तकरीबन 2-3-4 घंटे रुकते हैं, सबसे पहले तो वो स्नैक्स लेके आते हैं, 8-10 किस्म के स्नैक्स। अब जो तो नॉन वेज खाते हैं, चिकन आ गया, फिर चिकन टिक्का आ गया, फिश फ्राई आ गई और फिश फिंगर्स आ गई, फिर चिकन कबाब आ गए, पता नहीं क्या क्या आता है। जो नॉन वेज नहीं खाते उनके लिए भी टिक्की आ गए, गोलगप्पे आ गए, फ्रेंच फ्राइज आ गई और कई किस्म की वो और डिफरेंट टाइप के हमें स्नैक्स दिखलाते हैं, हम खाते रहते हैं और साथ में थोड़ा थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं, जो दारू पीते हैं दारू पीते रहते हैं। 1-1.5 घंटा तो ये खा लिया, उसके बाद फिर खाना लग गया, खाने में भी हम अच्छी तरह से खाते हैं, फ्रूट लगा होता है फ्रूट अलग से खाते हैं, उसके बाद आइसक्रीम लगी होती है वो कौन छोड़ता, कोई नहीं छोड़ता। आइसक्रीम के साथ फिर चाय कॉफ़ी भी चलती है, वो भी हमने चाय पी ली कॉफ़ी पी ली, मीठा तो होता ही होता है, कई प्रकार के मीठे होते हैं मिठाई होती है, इतना कुछ हमने खा लिया, देर से खाते गए हम। अब खा के हम घर तो आ गए, उसके बाद हमारे को नींद नहीं आती, पेट पूरा भरा हुआ है, हमारा स्टमक पूरा भरा हुआ है ऊपर तक, बहुत मुश्किल से उसने अपने अंदर जगह बनाई थी, कैसे बनाई, कितना फूला होगा वो। अब जितना ज़्यादा हमने खाना खाया उतना ज़्यादा उसको पचाने के लिए क्या बनेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड उतना ही बनेगा ना। अगर हमने इतना खाना खाया इतना बनेगा, इतना खाना खा लिया हमने तो इतना ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अब ज़्यादा एसिड बनेगा तो हमें क्या हो जाएगा, एसिडिटी। जो हम मोटा मोटा माल खाते हैं उसकी वजह से एसिडिटी बनती है, ज़्यादा तली भुली चीज़ें खाते हैं उसकी वजह से एसिडिटी बनती है, चबा चबा कर नहीं खाते उसकी वजह से भी एसिडिटी बनती है। फिर हम क्या इनू पीते हैं, इनू अम्लीय होता है, वो इस एसिडिटी को थोड़ा कम करता है। तो एसिडिटी बनने का रीज़न मेन यही है कि जितना हम गंद मंद खाते हैं उसको पचाने के लिए हमारा जो ब्रेन है उसको, हमारी जो जठर ग्रंथि है उनको बोलता है, हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उनको बोलता है कि भाई और ज़्यादा जूस बनाओ, इनको हमने पचाना है, और ज़्यादा HCl बनाओ, और ज़्यादा एक्साइन बनाओ। पहले तो HCl बनता है, तभी हमें कभी कभी खट्टे डकार आते हैं ना, हम कहते खट्टा डकार क्यों आ गया, वो खट्टे डकार क्या होते हैं, वही जो हमारा HCl है मुँह के राही बाहर आता है, बहुत ज़्यादा हमारा स्टमक भरा हुआ है, उस समय हमें उल्टी करनी चाहिए, उस गंध को हमें बाहर निकालना चाहिए। वो जो HCl है ये डाइजेशन नहीं करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जो तेजाब है ये डाइजेशन नहीं करता है। डाइजेशन क्या करता है, एग्जाइम करते हैं। तो ये क्या काम करता है, ये तेजाब जो है HCl है ये क्या काम करता है, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव बनते हैं, जो बैक्टीरिया बनते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनको मारता है ये। पहले तो हमारे सलाइवा ने मारा उनको, अब जो बच गए, देखो परमात्मा ने कितना बढ़िया हमें बनाया है, अगर हम कुछ गलत मलत खा भी ले तो उसने हमारे को पहले मुंह में सेव की, अगर हम ढंग से खाते हैं चबा चबा कर खाते हैं वहीं पे उन बैक्टीरियाज को मार दिया, फिर बाकी जो बचे खुचे यहाँ पे HCl उनको मार देगा।
ये बात ध्यान रखना, HCl उनको डाइजेशन नहीं करता उनका, वो केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, जो कीटाणु हैं, उनको मारता है। दोबारा से रिपीट कर दे एक बार फटाफट। एक से डेढ़ घंटा हमारा जो स्टमक के अंदर खाना रहता है, तभी हम कहते हैं कि हमें कम से कम ढाई घंटे बाद, दो ढाई घंटे बाद सोना चाहिए, या कोई भी थेरेपी उसके बाद करवानी चाहिए, या उसके बाद तीन घंटे बाद हमारा डाइजेशन होता है। तो ब्रेन हमें उनको, जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टमक के अंदर, उनको डायरेक्शन देता है कि भैया गैस्ट्रिक जूस बनाओ। उस जूस के अंदर क्या होता है, तीन आइटम, एक पानी, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तेजाब इसको बोल लीजिए सीधा सीधा, एक एंजाइम। अभी हमने बात की है केवल एसिड की, तेजाब की। तेजाब का पीएच लेवल 1.5 से 2.5 तक होता है, बहुत कम होता है, अगर हमारे शरीर पे पड़ जाए तो उसको जला देता है। HCl जो है डाइजेशन नहीं करता, ये केवल सूक्ष्म जीव जो कीटाणु हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, उनको मारता है। और जो एसिडिटी होती है इसकी वजह से होती है, अगर हम ज़्यादा गंदा खाना खा लें तो उसकी वजह से एसिडिटी हमारी हो जाती है। और ये जो HCl है ये क्या करता है, एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है। और एंजाइम क्या करेंगे, हमें डाइजेशन करेंगे। जो HCl है ये हमारे सूक्ष्म जीवों को मारेगा और एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, और जो एंजाइम एक्टिवेट होगा तब वो डाइजेशन को करेगा। इसीलिए हमें कहते हैं हमें पानी नहीं पीना चाहिए खाते समय, डेढ़ दो घंटे बाद पीना चाहिए, या खाने से पहले पीना चाहिए। तो अब अभी तो हमने बात की अब HCl की, कल हम बात करेंगे जो हमारे HCl ने एक्टिवेट किया एंजाइम को, वो एंजाइम कैसे हमें बाकी जो हमारा खाना अंदर खा रहे हैं हम उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं। तब तक ले नमस्कार, हैव ए नाइस डे।